पूरा बिहार कहना चाहता है कि नया पारी का शुरुआत होगा और आज से 180 दिन का काउंटिंग शुरू हो जाए। भैया हो मनीषा भैया दुखियन के हवे सहैया बनावल चाहे ले उ ब्रांड बिहार हो साचे कहतानी। क्या आप तमिलनाडु से हो? जी जी हम तमिलनाडु से हैं। उनका प्यार खींच लाया है, उनको देखने के लिए मेरा तरस रहा था, इसलिए हम फ्लाइट बुक किए। उनका स्वागत कैसे कीजिएगा अगर तमिलनाडु के भाषा में स्वागत करना हो? मनीष कश्यप उंगली के नांगे ला रहा हूँ, वणक्कम सोल रहा हूँ। मतलब इसका मतलब मैं हिंदी में बता रहा हूँ। मनीष भैया आप लोग को मैं बहुत धूमधाम से स्वागत करना चाहता हूँ। किस तरीके से निकलने वाला है? बहुत मेला ऐसा निकलेगा कि आज कितने लोग बेहोश हो जाएंगे। 20 केजी मिठाई, 5 केजी इधर से, 5 केजी इधर से, 5 इधर से और 5 उधर से, 20 केजी मिठाई भेजा जा रहा है। पूछिए कहाँ भेजा जा रहा है। अभी हम पटना में बेऊर जेल के बाहर खड़े हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन आज पूरा उम्मीद है कि वो जेल से बाहर निकलेंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि पटना के बेऊर जेल के बाहर तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनके स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं। MBS के जो जवान है वो भी पहुंचे हुए हैं, अनिकेत भैया भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा उम्मीद है कि निकल जाएंगे। आज हम कुछ नहीं कहना चाहते, आज पूरा बिहार कहना चाहता है कि नया पारी का शुरुआत होगा और आज से 180 दिन का काउंटिंग शुरू हो जाएगा। काउंटिंग शुरू हो जाएगा? शुरू हो गया। तैयारी किस तरीके से है? तैयारी तो जबरदस्त है। हाँ। बहुत शानदार लड्डू बना है। हाँ। और सबसे बड़ा बात है कि लड्डू में काजू और किशमिश भी मिलवाया गया है। हाँ। माने काजू और किशमिश दोनों को मिलवा दिया गया है और हर लोगों के पास भेजा जाएगा और 2 पैकेट ज्यादा विरोधियों के पास भेजा जाएगा। तो सुबह से ही आप लोग वेट कर रहे हैं, कल जो निकलने वाले थे लेकिन वो शाम तक नहीं निकल पाए, तो आज पूरा उम्मीद है। देखिए कल भी निकली, कल शाम में ही निकल जाता है, लेकिन ज्यादा गैदरिंग होने के चलते देखिए लोगों का इतना ना प्यार है। हाँ। आप किस किस को रोकिएगा? हाँ। मतलब हमको लग रहा है कि 10,000 से ज्यादा का भीड़ यहाँ जेल गेट पर इकट्ठा होना। हाँ। ये बेऊर जेल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भीड़ के कारण कोई पत्रकार जो है वो जेल से बाहर नहीं निकल पाए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मतलब जा सकता है कि मनीष कश्यप को लेकर लोगों में प्रेम कितना ज्यादा है। आप भी दोनों भाई जो है कल से ही पहुंचे हुए हैं, कल तो नहीं निकल पाए लेकिन आज पूरा उम्मीद है कि निकल जाएंगे। बिल्कुल, हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आज एकदम निकलेंगे। हाँ। और हम ही लोग नहीं, पूरा बिहार उम्मीद में है कि चाहेंगे कि एक गाना हो जाए। आप लोग गाना काफी अच्छा उनके सपोर्ट में हमेशा गाते रहते हैं और ऐसे में आज पूरा उम्मीद है कि वो रिहा हो जाएंगे, एक गाना हो जाए जो चाहे ब्रांड बिहार। भैया हो मनीषा भैया दुखियन के हवे सहैया बनावल चाहे ले उ ब्रांड बिहार हो साचे कहतानी। उनका जैसन ना कोनो पत्रकार हो साचे कहतानी। वाह, देख सकते हैं कि पूरे बिहार के लोग जो हैं बिहार के शेर के स्वागत के लिए कहीं ना कहीं तैयार हैं। और ये देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर बेऊर जेल के बाहर कहीं ना कहीं लोग पहुँच रहे हैं। ये बताइए कि आप तमिलनाडु से हैं? जी जी हम तमिलनाडु। कहाँ क्या रहने वाले हैं? हम नवादा जिले के रहने वाले हैं। नवादा जिले के रहने वाले हैं, लेकिन मनीष कश्यप के प्रति प्रेम इतना ज्यादा है कि जब आपको पता चला कि वो रिहा होने वाले हैं तो तमिलनाडु मुझे खींच लाया, उनका प्यार खींच लाया, उनको देखने के लिए मेरा तरस रहा था, इसलिए हम फ्लाइट बुक किए। उसके बाद तुरंत सबको देखने के लिए फ्लाइट का टिकट आप बुक किए और उसके बाद बिहार आ गए। जी जी बिल्कुल। तो इससे पहले जब वो तमिलनाडु में थे तो वहाँ भी मिले? हाँ, वहाँ भी मुलाकात हुआ है, 2-3-4 बार मुलाकात हुआ है। कि तमिलनाडु का भाषा वगैरह भी सब कुछ? हाँ जी पूरा मालूम है मेरा। तो कुछ भाषा सुनाइए थोड़ा, लोग देख रहे हैं आपको। आ रहे तो उनका स्वागत कैसे? हाँ, उनका स्वागत कैसे कीजिएगा अगर तमिलनाडु के भाषा में स्वागत करना हो? मनीष कश्यप उंगली के नांगे ला रहा हूँ, वणक्कम सोल रहा हूँ। मतलब इसका मतलब मैं हिंदी में बता रहा हूँ। मनीष भैया आप लोग को मैं बहुत धूमधाम से स्वागत करना चाहता हूँ। हाँ। बस आप जल्दी बाहर आ जाइए। बस मतलब जल्दी बाहर आ जाए, एकदम जोरदार। जी 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 बिल्कुल। आप लोग किस तरीके से तैयार हैं? हम अपने तरीके से तैयार हैं। हम कलाकारी के मूड में हैं, कलाकारी करेंगे। भैया से भी मिलते हैं, इंटरव्यू भी जब होता है तो कलाकारी के माध्यम से। बहुत सारे लोग जो है पहले कह रहे थे कि मनीष कश्यप चुनाव से पहले तो बाहर नहीं निकलेगा, तो उन लोग अभी भर्ती होंगे कहीं पानी नीचे। आज खुशी की बात है, नहीं आज खुशी की बात है, विरोधियों पे चर्चा नहीं होगी। क्योंकि देखिए भैया बोले ना कि विरोधियों के पास 2-2 किलो ज्यादा मिठाई भेजा जाएगा। वो भी एक रणनीति है, साला गाली दिया गया, डायबिटीज और शुगर का मरीज बना दिया जाएगा ज्यादा मिठाई भेज के। कुछ नहीं बोलना है, उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है, छोड़ देना है, ऐसे ही तड़पड़ाएंगे, ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए समर्थक भैया, समर्थक हो आ चाहे विरोधी हो, इग्नोर तो नहीं कर सकता है, चाहे हंस के आए चाहे रो के आए, आना तो पड़े। इग्नोर नहीं कर सकता, इग्नोर कोई नहीं कर सकता है मनीष कश्यप को, या सपोर्ट में चलाए या विरोध में चलाए, या समर्थक हो या विरोधी हो, देखना तो आपको पड़ेगा। मिला किस तरीके से निकलने वाला है? बहुत मिला ऐसा निकलेगा कि आज कितने लोग बेहोश हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। बेहोश फॉर्च्यूनर वगैरह भी आ रहा है। देखिए बहुत बहुत कुछ है,
बहुत कुछ। और एक चीज है, 20 केजी मिठाई, 5 केजी इधर से, 5 केजी इधर से, 5 इधर से और 5 उधर से, 20 केजी मिठाई भेजा जा रहा है। पूछिए कहाँ भेजा जा रहा है, उससे स्पेशल गुजरात भेजा जाएगा। एगो चाचा हम लोग का है कि आप देख सकते हैं कि अभी हम पटना में बेऊर जेल के बाहर खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ ही समय में मनीष कश्यप कहीं ना कहीं जेल से रिहा होने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा कि मनीष कश्यप पर जितना भी जो मामला था, वो सारे मामले में कहीं ना कहीं उनको जमानत मिल गया है। और इसके बाद सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही वो जेल से रिहा होंगे तो भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत धन्यवाद।